आप देख सकते मारुति सुजुकी स्विफ्ट जो काफ़ी लोकप्रिय है अपने इंडिया में। आप देख सकते अगर इसकी हाइट की बात करें तो 15 से 30 mm की इसकी हाइट स्पेस है। अगर इसकी वेट की बात करें तो 17 से 35 mm का इसका वेट है जो काफ़ी बेहतरीन है। आप देख सकते हैं फोग लैंप। टायर की साइज़ की बात करें तो 3 साइज़ में उपलब्ध है, 165/80R14, 185/65R15, 185/70R14, 3 साइज़ में इसके टायर्स उपलब्ध है। आप देख सकते हैं अगर हम इसके बूथ स्पेस की बात करें तो 268L का इसका बूथ स्पेस है जो कार के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर हम इसकी पेट्रोल टैंक की बात करें तो 42 लीटर का इसका पेट्रोल टैंक है जो कार के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल है। चलिए बढ़ते आगे और देख सकते हैं आप इसके इंटीरियर्स की फ्यूचर की तो काफ़ी बढ़िया है, फ्यूचर दी है इसमें और सीट्स वगैरह जो काफ़ी स्मूथ दिया हुआ, काफ़ी स्मूथली दिया हुआ जो हमें बहुत आकर्षित करते हैं। अगर इसकी गियर्स की बात करें तो 6 व्हील का गियरबॉक्स इसका जो कार के हिसाब से कंफर्टेबल है। अगर टैप्स की बात किया जाए तो सभी सुविधा इसमें टैप्स में उपलब्ध है जो आप चाहते हैं। अगर इसकी स्पीड की बात करते हैं तो हम 220 का स्पीड का है इसका किलोमीटर का है जो काफ़ी आकर्षित करता है। अगर इसका इंटीरियर की बात करें तो कार के हिसाब से काफ़ी लाजवाब इंटीरियर इसका। इग्निशन स्टॉप बटन आप देख सकते हैं जो काफ़ी हमें आकर्षित करता है। और इसकी इंजन की सीसी की बात करें तो 1157 cc का इसका इंजन है जो काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर इसकी माइलेज की बात करें तो 22 का 0.0 का वो कैंपियर का माइलेज है इसका जो कार के हिसाब से कंफर्टेबल है। अगर हम इसकी मिरर्स की बात करें तो साइड लाइट जो LED दी है जो हमें काफ़ी आकर्षित करती है और कार को भी काफ़ी लुक देता है। अगर हम इसके व्हील की फ्रंट व्हील की बात करें तो डिस्क ब्रेक दी है इसमें। अगर हम इसके टेल लैंप की बात करें तो हमें काफ़ी आकर्षित करती है। आप देख सकते हैं होंडा i10 तो काफ़ी लुकदायक। अगर इसकी हाइट की बात करें तो 1500 mm की इसकी हाइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी वेट की बात की जाए तो 1600 mm का इसका वेट है जो कार के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं आप पेट्रोल टैंक कैपेसिटी 43 का इसका कैपेसिटी है जो काफ़ी कार के हिसाब से कंफर्टेबल है और इसका लुक भी काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी मज़ेदार बनाया हुआ है। अगर हम इसके इंजन सीसी की बात करें तो 1157 cc का इसका इंजन है। अगर इसकी माइलेज की बात करें तो 20.36 का इसका माइलेज है जो कार के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर हम इसके इंटीरियर्स की बात करें तो काफ़ी बढ़िया इंटीरियर्स बनाया हुआ है जो कंपनी ने काफ़ी सुधार किया है। अगर हम इसके किलोमीटर्स की बात करें तो 200 की स्पीड का इसका किलोमीटर्स है जो कार के हिसाब से कंफर्टेबल है। इग्निशन स्टार्ट स्टॉप बटन भी काफ़ी लुकदायक है इसका और हेडलाइट्स जो काफ़ी आकर्षित करती है हमें। और इसके फॉग लैंप्स की तो बात ही कुछ और है, आप देख सकते हैं फॉग लैंप्स। अगर हम इसके बूथ स्पेस की बात करें तो 256L का इसका बूथ स्पेस है जो हमें काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मारुति सुजुकी इक्को, अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो 1800 mm की इसकी हाइट है जो कार के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर गियर की बात करें तो 5 स्पीड का गियर बॉक्स है इसका जो कार के हिसाब से कंफर्टेबल है। अगर इसके इंजन की बात करें तो 1196 cc का इसका इंजन है जो कार के हिसाब से कंफर्टेबल है। और आप टायर साइज़ देख सकते हैं 155/65R13। और अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो काफ़ी लाजवाब इसका इंटीरियर है जो काफ़ी स्टाइलिश और लुकदायक बनाया हुआ है। अगर हम इसके किलोमीटर्स की बात करें तो 180 का इसका किलोमीटर्स है जो कार के हिसाब से कंफर्टेबल है। अगर हम इसके बूथ स्पेस की बात करें तो 400L का इस लीटर का इसका बूथ स्पेस है जो कार के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल है।
अगर हम इसकी वेट की बात करें तो 1475 mm का इसका वेट है, जब स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर इसके इंजन की माइलेज की बात करें तो 15.1 एम्पियर का इसका माइलेज है।